हाय, चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। वोकैब क्लास नंबर 195। और वोकैब मंत्रा की जो बुक है वो डे 28। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने नोट्स बेहतरीन तरीके से बना सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पहले वर्ड पर आते हैं बिना ज्यादा समय लिए हुए। पहला वर्ड जो हमारे पास है बेटा वो है इन्फेस्ट। पहला जो वर्ड है वो क्या है? इन्फेस्ट। इन्फेस्ट का मतलब होता है बेटा किसी चीज की भरमार होना। इन्फेस्ट का मतलब बहुत ज्यादा भरमार होना, बहुत ज्यादा अधिकता होना किसी चीज की, दैट्स कॉल्ड इन्फेस्ट। इन्फेस्ट का मतलब एक तरीके से इन्फेक्ट या संक्रमित वाली बात भी, इतनी ज्यादा संख्या कि वो संक्रमित जैसा लग रहा है। ओवररन का मतलब संख्या में कोई चीज इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उसने बर्बाद कर दिया। जैसे दिस हाउस इज, अगर हम वाक्य को देखें, इन्फेस्टेड, और इन्फेस्टेड का प्रेपोजिशन कौन सी आती है? विद। दिस हाउस इज इन्फेस्टेड विद रेट्स, यानी कि इस घर में रेट्स की क्या है? भरमार है। स्वॉर्म ओवर, इसका मतलब बहुत ज्यादा संख्या में कोई चीज वहां पर है, दैट्स कॉल्ड स्वॉर्मिंग, राइट? जैसे मार्केट इज स्वॉर्मिंग, राइट? मार्केट इज स्वॉर्मिंग विद कस्टमर्स। होली और दिवाली पर भरमार हो जाती है, एक तरीके से मार्केट थ्रोंग हो जाती है, राइट? इन्फेस्ट होना, ओवररन होना, स्वॉर्म ओवर, या फिर वर्मिंड। वर्मिंड का मतलब क्या? वो जीव जंतु जो मेरी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, राइट? जैसे आप देखोगे जब किसी फसल पे बीमारी आती है तो बीमारी पूरे हर एक, जैसे गेहूं की अगर फसल है तो हर एक कोपल पर, हर एक पत्ते पर वो बीमारी दिखाई देने लग जाती है, यस और नो? तो आप देखो उस बीमारी की पूरी भरमार हो जाती है। तो फसल में अगर और ज्यादा जीव जंतु या कीट पतंगे आए हुए हैं तो वो साफ दिखाई देते हैं और उनकी भरमार हो जाती है। और उसी के लिए वर्ड आता है बेटा परमिएटेड। परमिएटेड का भी मतलब कोई चीज पूर्णतया विस्तार में, पूर्णतया फैली हुई, दैट इज कॉल्ड परमिएटेड। दिस हाउस इज इन्फेस्टेड विद रैट्स, इसका मतलब है दिस हाउस इज ओवररन विद रैट्स, राइट? दिस हाउस इज स्वॉर्मिंग ओवर रैट्स, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज है, बहुत ज्यादा अधिकता में है, दैट इज कॉल्ड इन्फेस्ट। एक वाक्य और लिख लेंगे, जैसे आपने कहा माई माइंड इज इन्फेस्टेड विद फियर बिकॉज ऑफ लूमिंग एग्जाम्स। लूमिंग का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल सर पर हैं, वो एग्जाम्स जो बिल्कुल सर पर आ गए हैं उनके लिए मेरा मन में भरमार हो गई है। किसकी? किसकी बेटा? डर की। माई माइंड इज इन्फेस्टेड विद फियर बिकॉज ऑफ लूमिंग एग्जाम्स। लूमिंग माने कमिंग नियर, जो धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। तो वाक्य को अगर महसूस करेंगे तो माई माइंड इज इन्फेस्टेड, यानी कि दिमाग। इन्फेस्टेड का मतलब क्या है? भरमार होना किसी चीज की, राइट? डर की भरमार हो गई है। वर्मिंड का मतलब इतने जीव जंतु हैं, राइट, के फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। परमिएटेड का भी मतलब पूरा विस्तार उसका है, पूरा फैलाव उसका है, पूरी जगह जगह वो फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड परमिएटेड, राइट? सो इन्फेस्ट हमारा वर्ड था। नेक्स्ट इन्वेस्ट। अगला वर्ड हमारा इन्वेस्ट है बेटा, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिएगा, साथ साथ चीजों को लिखते रहिएगा। इन्वेस्ट करना किसी चीज को, तो इन्वेस्ट आप जानते हो किसी चीज में मतलब इन्वेस्टमेंट करना, जाकर कोई चीज ताकि बढ़ जाए, ग्रोथ हो, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है। सप्लाई करना, एंडोव करना, ऑथराइज करना, एम्पावर करना, प्रोवाइड करना। जैसे एम्पावर का मतलब क्या है? ताकत देना। जैसे मान लो कि किसी कंपनी को पैसे की जरूरत है, अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है और आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हो तो आपने कंपनी को क्या किया? एम्पावर किया, आपने अपना पैसा उसको क्या किया? सप्लाई किया। एंडोव का भी मतलब क्या होता है? कोई चीज देना, आपने अपना पैसा उसको क्या कर दिया? दे दिया, राइट? तो डेफिनेटली इन्वेस्ट का मतलब देना ही तो है कि भाई ये लो, मैं यहां पे आपको पैसा देता हूं, आप इन्वेस्ट कर दो, दैट इज कॉल्ड एंडोव। या फिर उसको ऑथराइज कर दिया कि आप मेरा पैसा इस्तेमाल कर सकते हो, तो इन्वेस्ट का मतलब ऑथराइज भी हो सकता है। अच्छा, विदहोल्ड और डिनाई का मतलब है कि किसी चीज को रोक देना या इनकार करना, रोक देना या इनकार करना, वो विदहोल्ड है कि भाई आपने अलाउ नहीं किया कि आप मेरे पैसे को इस्तेमाल कर लें, आपने अपने डिसीजन को क्या किया? विदहोल्ड किया या डिनाई, डिनाई माने इनकार करना। वाक्य कर लें तो इन्वेस्ट के बाद, एक बात याद रखना, इन्वेस्ट के बाद कभी प्रेपोजिशन पूछी जाए तो हमेशा इन आती है, राइट? वाक्य बन गया डोंट इन्वेस्ट योर टाइम इन मंडेन प्लेजर्स। मंडेन का मतलब क्या होता है? अनइम्पॉर्टेंट, जो बिल्कुल ही बेकार के हो, यानी कि वर्ल्डली, संसारिक, या तो इसका मतलब ये है या फिर इसका मतलब निकलता है अनइम्पॉर्टेंट, जो बिल्कुल बेकार के हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ के हैं। और प्लेजर्स माने सुख, सुख सुविधाएं, कहते जो फालतू की अनइम्पॉर्टेंट सुख और सुविधाएं हैं, एंटरटेनमेंट हैं, जो प्लेजर्स हैं, उनमें अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें। डोंट इन्वेस्ट योर टाइम इन मंडेन प्लेजर्स। तो इन्वेस्ट का मतलब किसी चीज में कोई चीज सप्लाई करना या देना, तो अपना टाइम, डोंट गिव योर टाइम
राइट, अपना टाइम देना ही नहीं है. डोंट इन्वेस्ट योर टाइम इन मंडेन प्लेजर्स. जैसे आप इस सेशन को टाइम दे रहे हो, वोकैबुलरी अपनी इंप्रूव करना चाहते हो, वाक्य इंप्रूव करना चाहते हो, तो ये सही सही इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग प्रोसेस. राइट, जैसे हम वाक्य कह सकते हैं, एक फिल इन द ब्लैंक बना दिया या फिर इसमें लिख ही दो, इन्वेस्ट लिख दिया. इन्वेस्ट योर टाइम, हम अपने तरीके से लिख लेते हैं, इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी. अपने टाइम और मनी को इन्वेस्ट करो. इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी इन गेनिंग, माने बढ़ाना, इन गेनिंग परस्पिकासिटी. परस्पिकासिटी, परस्पिकासिटी का मतलब क्या है? ज्ञान, बुद्धि. राइट, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कहां इन्वेस्ट करो? इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी, अपना टाइम और पैसा लगाओ कहां पर? ज्ञान को बढ़ाने में. राइट, ज्ञान को बढ़ाने में अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करो. इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी इन गेनिंग परस्पिकासिटी, माने ज्ञान को बढ़ाने में अपना टाइम इन्वेस्ट करो. बेटा, शब्दों और वाक्यों का खेल है, उसी को हम कर रहे हैं. अगले वर्ड पर हम पहुंच गए. अगला वर्ड है लेबोरियस, जिसमें बहुत दम लगता हो, बहुत ताकत लगती हो. बेटा, लेबोरियस, बोलो लेबोरियस. लेबोरियस का मतलब जिसमें बहुत परिश्रम लगता हो, बहुत ताकत लगता हो, बहुत पसीना बहता हो, बहुत कठिन हो, बहुत मुश्किल हो. देखो, इन्होंने डिफिकल्ट कह दिया. राइट, कोई चीज, लेबोरियस का मतलब डिफिकल्ट, ये सीधा सीधा वर्ड है इसका. कोई चीज बहुत मुश्किल है. राइट, इसमें बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं. बहुत मुश्किल अगर कोई चीज है, दैट इज कॉल्ड लेबोरियस. वनरस, बहुत अच्छा शब्द है बेटा. लाइक वनरस ड्यूटी ऑफ फैमिली, जैसे आपने कहा वनरस ड्यूटी ऑफ फैमिली, तो परिवार का जो दायित्व है वो हल्का नहीं होता. परिवार का दायित्व एकदम से, कई बार ऐसा होता है कि दायित्व इतना हो गया कि दायित्व तोड़ दे कंधों को, इतना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आके गिर जाती है. तो वनरस ड्यूटी ऑफ फैमिली. राइट, वनरस ड्यूटी ऑफ फैमिली. तो वनरस माने थका देने वाला, बहुत मुश्किल. आर्डुअस, बड़ा अच्छा शब्द है बेटा. आर्डुअस का भी मतलब है बहुत ज्यादा थका देने वाला. आर्डू ऐसे पढ़ेंगे और उसमें ओयूएस से अस जुड़ जाएगा, आर्डुअस. राइट, अधिकतर अस जो जुड़ता है एडजेक्टिव्स में वो ओयूएस से जुड़ता है. देखो, ओयूएस, ओयूएस. राइट, टीडीएस, टीडीएस बहुत अच्छा शब्द है. थकाऊ, पकाऊ, जो थका दे, बहुत ज्यादा मेहनत लगने जिसमें लगती हो, दैट्स कॉल्ड थकाऊ और पकाऊ किस्म का. राइट, टीडीएस, जैसे टीडीएस ड्यूटी ऑफ 18 आवर्स, मान लो 18 घंटे की कोई ड्यूटी कर रहा है, तो ड्यूटी कैसी हो जाएगी उसके लिए? टीडीएस हो जाएगी, हैवी हो जाएगी उसके लिए, वो डिफिकल्ट हो जाएगी. हैवी और डिफिकल्ट सबसे कॉमन शब्द हैं इसके. बड़े प्यारे शब्द हैं क्या? लेबोरियस, वनरस, आर्डुअस, टीडीएस और हैवी और डिफिकल्ट कॉमन है. वर्ड है ग्रुइलिंग, बोलो. राइट, ग्रुइलिंग का मतलब भी बहुत डिफिकल्ट, समथिंग दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, जो शरीर की बहुत एनर्जी की डिमांड करती है, वो ग्रुइलिंग टास्क होती है. जैसे एवरेस्ट पे चढ़ना, वो कैसी टास्क है? ग्रुइलिंग टास्क है बेटा. राइट, और स्ट्रेनुअस का मतलब जिसमें दिमाग की एक एक नस, दिमाग की एक एक न्यूरॉन की पूरी ताकत लग जाए, उसे हम स्ट्रेनुअस कहते हैं बेटा. राइट, तो स्ट्रेनुअस का भी मतलब बहुत मुश्किल. अच्छा, उल्टे में अगर देखें तो इजी और सिंपल, समथिंग दैट इज वेरी इजी. कोई चीज अगर बहुत आसान है, उसे इजी और सिंपल से बताया जाता है. वाक्य अगर देखें तो लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, नई लैंग्वेज की जो सीख है, उसका जो सीखना है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज अ स्लो एंड कैसा, यहां पे सारे के सारे वर्ड्स आ सकते हैं बेटा. कौन से? लेबोरियस प्रोसेस. एक नई भाषा को सीखना, मान लो मेरी भाषा कैसी है? हिंदी है. अब नई भाषा मतलब मैं क्या सीख रहा हूं? मान लो इंग्लिश सीख रहा हूं, तो बेटा आसान नहीं पड़ेगा, दम लगेगा अच्छे शब्द और अच्छे वाक्य को सीखने में. वाक्य कह भी रहा है कि लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, एक नई लैंग्वेज को सीखना इज अ स्लो, यानी कि फास्ट तो है नहीं. राइट, एक एक शब्द पकड़ना होगा, एक एक वाक्य पकड़ना होगा, एक एक शब्द एक एक वाक्य. तो लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज अ स्लो एंड लेबोरियस प्रोसेस, वनरस प्रोसेस, आर्डुअस प्रोसेस, टीडियस प्रोसेस, डिफिकल्ट प्रोसेस, ग्रुइलिंग प्रोसेस, स्ट्रेनुअस. और ये क्या नहीं है? इजी और सिंपल नहीं है. तो लेबोरियस मतलब समथिंग दैट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा ऊर्जा और बहुत ज्यादा ताकत का जिसमें जरूरत पड़े, दैट इज कॉल्ड लेबोरियस, बहुत ज्यादा मेहनत का. राइट, बहुत ज्यादा मेहनत का. जैसे हम स्टेटमेंट कह सकते हैं बेटा, लिखेंगे होल्डिंग फर्स्ट पोजीशन, होल्डिंग फर्स्ट पोजीशन इन एनी इवेंट, होल्डिंग फर्स्ट पोजीशन इन एनी इवेंट इज अ ब्लैंक टास्क. टास्क का मतलब क्या है? काम. राइट, तो कैसी टास्क है बेटा वो? क्या वो इजी टास्क है, सिंपल टास्क है या लेबोरियस टास्क है?
किसी भी चीज में फर्स्ट पोजीशन को प्राप्त करना, भाई अगर मान लीजिए कंपटीशन हो रहा है और उसमें आपको फर्स्ट आना है, होल्डिंग फर्स्ट पोजीशन, अगर चाहो तो यहां पे द भी लगा सकते हो क्योंकि ऑर्डिनल है, चाहो तो लगा सकते हो. होल्डिंग द फर्स्ट पोजीशन इन एनी इवेंट इज अ ग्रूइलिंग टास्क, स्ट्रेनुअस टास्क, आर्ड्यूअस, टीडियस, एक थका देने वाली और बहुत मेहनत करवाने वाली टास्क है बेटा. खैर आगे चलते हैं, वाक्य आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वर्ड. और फोर्थ वर्ड हमारे सामने लेबोरियस के बाद मोरोस. बोलो एक बार, शाबाश. मोरोस का मतलब होता है बेटा उदास, बहुत ज्यादा उदास, बहुत ज्यादा सैड. दैट इज कॉल्ड मोरोस, वेरी सैड, डाउन. अगर सिंपल कहना चाहो तो सिंपल से सिंपल वर्ड इसका सैड है, लो. मिजरेबल माने बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा दुखी हालत में, बहुत ज्यादा उदास हालत में, दैट इज कॉल्ड मिजरेबल. सलन बड़ा अच्छा शब्द है बेटा, ग्लम बहुत अच्छा शब्द है, राइट. ब्लू बहुत अच्छा शब्द है. वियरी का भी मतलब है बहुत उदास, बहुत थका हुआ, बहुत टूटा हुआ अंदर से, दैट इज कॉल्ड वियरी, राइट. दैट इज कॉल्ड मोरोस. मोरोस, डाउन, लो, मिजरेबल, राइट. तो मोरोस का मतलब उदास है. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप के फाइनल तक कोई टीम चली जाती है और फाइनल्स में जाके हार जाती है. अब सोचो नीचे से सेमीफाइनल्स, राइट, क्वालिफाइंग, फिर सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, इतनी मेहनत करते हुए कोई टीम पहुंचती है और फाइनल में जाके वर्ल्ड कप के हार जाती है, तो जो प्लेयर्स हैं क्या वो चीयरफुल महसूस करेंगे, ब्लिसफुल महसूस करेंगे या मोरोस? मोरोस महसूस करेंगे, क्योंकि सारी की सारी मेहनत करी कराई वर्ल्ड कप नहीं मिल पाए तो ऐसा हो गया कि सारी करी कराई मेहनत पर पानी फिर गया. यस और नो, राइट. तो कहते जी अपोजिशन जो थी वो मोरोस थी बिकॉज दे कुड नॉट विन द वर्ल्ड कप, राइट. तो मोरोस का मतलब बहुत उदास होता है बेटा. तो उदास के लिए जो भी वर्ड आपको याद आए, जैसे डोलफुल भी एक शब्द है, डाउन एक शब्द है, इन ब्लूज एक शब्द है. जैसे ब्लू शब्द हमेशा आता ही उदासी के लिए है, राइट. अगर एग्जाम में पूछा जाए इन ब्लूज क्या होता है, जो कम से कम 10 बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इन ब्लूज का मतलब हमेशा सैड ही होता है बेटा. और इन पिंक का मतलब क्या होता है, हेल्दी. अगर इन पिंक लिखा हो कलर से अगर हम बात करें तो इन पिंक का मतलब होता है बेटा हेल्दी, बहुत ज्यादा स्वस्थ, राइट, बहुत ज्यादा खुश. दैट इज कॉल्ड इन पिंक, यानी कि चीयरफुल होगा पिंक में, हेल्दी होगा पिंक में, और ब्लूज में होगा उदास. वाक्य देखो, व्हेन समवन फील्स आइसोलेटेड, जब किसी को अलग थलग महसूस होता है. आइसोलेटेड का मतलब क्या बेटा, अलग थलग. जब उसको कटा कटा महसूस होता है, जब उसको अंदर से यह भाव आता है कि आई डोंट बिलोंग हियर, मैं यहां इस जगह से बिलोंग नहीं करता, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है यहां पे रहना. आइसोलेटेड का मतलब जब अलग थलग होता है ना, कि जब आप नया नया कॉलेज ज्वाइन करते हो तो कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपका जानकार नहीं है, पूरा भरा हुआ है कॉलेज पर फिर भी भीड़ में भी आपको अकेला महसूस हो रहा है, तो उस हालत में हम क्या कहते हैं, फील आइसोलेटेड, राइट. जब आपको कोई नहीं जानता, मान लो किसी शहर में आप गए और आपका वहां कोई जानकार नहीं है, तो आपसे कोई बातचीत करने वाला भी नहीं है, तो होता क्या है, बोले यू फील आइसोलेटेड इन एवरी न्यू सिटी. हर नए शहर में जाओगे, मान लीजिए आपकी पोस्टिंग बदलती रहती है बार बार, जहां पे पुराने दोस्त बने फिर से पोस्टिंग चेंज हो गई, तो सरकारी अधिकारियों के पास एक दिक्कत होती है क्या, कि दे फील, समटाइम्स दे फील आइसोलेटेड. व्हेन समवन फील्स आइसोलेटेड ही सीम्स, वो प्रतीत होता है, वो लगता है कैसा, क्या वो चीयरफुल लगेगा, कैसा लगेगा, वो मोरोस लगेगा, डाउन लगेगा, लो लगेगा, मिजरेबल, सलन, ग्लम, ब्लू, वियरी, चीयरफुल नहीं लगेगा. क्या बेटा बात समझ में आई? तो ये आपके लिए मोरोस शब्द है बेटा. नेक्स्ट लास्ट वर्ड आज का हमारा नॉमिनल, ये पांचवा है. द फिफ्थ वन इज नॉमिनल. नॉमिनल का मतलब नाक के बराबर, राइट. जैसे नॉमिनल सैलरी, नॉमिनल सैलरी, इसका मतलब नाक के बराबर सैलरी. जैसे किसी को कोई काम बहुत अच्छा करता है, उसे मिलने चाहिए मान लीजिए 10,000, पर अगर कोई 4,000 रुपए दे रहा है 10,000 की जगह, तो उसको सैलरी मिल रही है कितनी, नॉमिनल सैलरी, स्मॉल. टिट्यूलर बहुत अच्छा शब्द है बेटा, इसका भी मतलब होता है नाक के बराबर, दैट इज कॉल्ड टिट्यूलर, राइट. कहते हैं हाँ भाई उसने सपोर्ट की, सपोर्ट की, पर कितनी सपोर्ट की, टिट्यूलर सपोर्ट, राइट. जैसे कहते हैं चल ना यार तू, हम तेरे साथ हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे. अब वो व्यक्ति आगे चला गया, पीछे कोई था ही नहीं, तो उनकी सपोर्ट कैसी सपोर्ट थी, बस इतनी कि उसको उठा के आगे कर दिया और पीछे से गया, तो कैसी सपोर्ट थी ये, टिट्यूलर सपोर्ट दी उन्होंने, ना के बराबर, राइट. सपोज्ड सिर्फ सोची गई, हकीकत नहीं. सपोज का मतलब है हकीकत में नहीं, बस उम्मीद हुई थी वो पूरी नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड सपोज्ड. इन नेम ओनली, सिर्फ नाम नाम का है. कहते वो नॉमिनल सा दोस्त है मेरा, इसका मतलब नाम नाम का दोस्त है, दोस्त जैसा कोई रिश्ता नहीं है. तो इन नेम ओनली, कहते वो रिश्तेदार है, कहते हाँ भाई कह सकते हो. जब कहते ना कह सकते हो, जब कहते हैं कह सकते हो, इसका मतलब नॉमिनल सा रिश्ता है उनका, इसका मतलब इन नेम ओनली है, नाम नाम का. स्मॉल, स्मॉल हम पहले भी कर चुके हैं, ये दोबारा आ गया, कोई बात नहीं. रियल और ऑथेंटिक, इसका मतलब हकीकत का, सच का, दैट इज कॉल्ड रियल और ऑथेंटिक, ये नॉमिनल नहीं है. वाक्य देखो, दे चार्ज अ टिटुलर फी,
यानी कि नॉमिनल फी फॉर द सर्विस, मानो ने सेवा भी दी काम भी किया पर जो चार्ज किया अमाउंट वो बहुत कम था, राइट right? तो दे चार्ज्ड अ टिटुलर फी फॉर द सर्विस, सर्विस के लिए उन्होंने जो अमाउंट लिया वो टिटुलर था, नॉमिनल था, इन नेम ओनली था, राइट right? के बस नाम नाम का अमाउंट के भी ठीक है, अगर आप जिद कर रहे हो तो इतना दे दो, बाकी और कोई जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल, राइट। तो नॉमिनल का मतलब क्या है, ना के बराबर, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल बेटा। और लगातार मेहनत करते रहिए बेटा, लगातार काम करते रहिए, सेशंस को लगातार नोट करते रहिए। हमने डे 28 स्टार्ट कर दिया है और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के कॉपरेशन के लिए, मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।